ऑब्जेक्टिव शीट थ्री में पहला क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम देखते हुए ये बताना है कौन से चार्जेस पॉजिटिव है, जिसमें से लाइंस बाहर निकल रही हैं वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एंटर कर रही है तो ये नेगेटिव, बाहर निकल रही है तो ये क्लोज करें इसे। नेक्स्ट है विच चार्ज हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, सी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज्यादा है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है इन विच रीजन या रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, क्या बोलते हो, नियर क्या, नियर सी। देखो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां नेट ई जीरो, वो यही तो पूछ रहे, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, इनमें तो मिलेगा नहीं, कहां मिलेगा, प्लस और प्लस में। और जब अनइक्वल चार्जेस हैं, ये चार्ज में लाइन ज्यादा निकल रही है, बड़ा चार्ज है छोटा चार्ज है, टूअर्ड दी वीकर चार्ज, वीकर चार्ज कौन है, ए, तो आंसर इज नियर ए। समझ आ रहा है यहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट वीक चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये शॉर्टकट, तभी तो मैंने कराया था कि वीक ये आप सीधा शॉर्टकट लगा सके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके। नेक्स्ट है कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं यहाँ पे पेंटागन के ऊपर, वो कह रहा है कि ओ कोई पॉइंट है, सेंटर है, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बोलो कितने लोग बोलते हैं जीरो। सिमेट्रिकल फिगर के सेंटर पे नेट फोर्स भी जीरो, सिमेट्री के फिगर में नेट फील्ड भी जीरो, जहां एफ जीरो मां ई भी जीरो, सिंपल है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये एक शॉर्टकट है सिमेट्रिक, क्योंकि चार्ज सिमेट्री पे है। ध्यान आगे प्लीज, मैंने लास्ट टाइम बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ाओ, उसके सेंटर पे निकालना हो, स्क्वायर के सेंटर पे निकालना हो, नेट फोर्स इज जीरो, नेट ई इज जीरो, तो यहां पर नेट ई क्या आएगा, जीरो, लगा दिया शॉर्टकट, एक आंसर जीरो। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से ए इज रिमूव्ड, कहता है जी यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू, क्यू एंड क्यू यहां पे था पर हटा दिया, तो बताओ यहां पे क्या ई की वैल्यू रह गई, वन बाय पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक बोल रही है क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा वापस चलते हैं, नहीं हटाते आपके कहीं पे लगा देते हैं, चलो लगा दिया, फिर लगा दिया, अब नेट आंसर क्या आएगा, जीरो, जब सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। समझ रहे हो इस बात को, तो इसके अंदर ये क्यू 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 और क्यू, एक बात बताओ, चलो यहां पे ई निकालना है, प्लस वन रखो, ये पॉइंट चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी ना, ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताओ ये चार चार्जेस मिलके नेट ई कहां लगाएंगे, ऊपर ऊपर, और वैल्यू क्या होगी, सेम, कितनी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, सही बोल रहे, ऐसा क्यों, क्योंकि नेट आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक चार्ज यहां ई लगा रहा है तो चार चार्जेस का वेक्टर सम जो मैं कर नहीं रहा वो ऊपर ही आना चाहिए विद सेम वैल्यू, तभी तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो, ऐसा ही था। फिर याद तो क्लियर है, मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मैंने कहा एक काम करो इस चार्ज को हटा दो, हटा दो, तो फिर इसको भी हटा दो, बचा क्या, चार चार्जेस का ये नेट ई बचा, ये आंसर आता हो गया, ठीक तो बोला, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो आंसर है, उसने यही बोला ना, अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, हाँ तो हटा दो ना, इसको भी हटा दो, तो फिर बचे कौन, चार चार्जेस, वो चार चार्जेस इतनी ही वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि पांच मिलके नेट आंसर क्या देते हैं, जीरो, तो एक ने इतना कंट्रीब्यूट किया था, हटा दिया, तो फिर चारों ने इतना लगाया होगा, क्योंकि जब पांचवा आता है तो नेट आंसर फिर से क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, फिर से इसमें यह बताया पांच चार्जेस हैं क्यू 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 एंड क्यू, जब पांचों मिलते हैं तो आंसर जीरो आता है। इनमें से ये जो क्यू चार्ज है उसने प्लस वन को रिपेल किया होगा और वैल्यू कितनी लगाई होगी, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगाई होगी, तो ये चारों ने मिलके भी वैल्यू ऊपर एग्जैक्टली सेम लगाई होगी, क्योंकि नेट आंसर क्या आ रहा था, जीरो। तो क्वेश्चन में ये कहा गया इसको हटा दो, तो फिर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हटा दो, फिर बचा क्या, ये बच गया, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि
वॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ चार्ज एट ए इज रिप्लेस बाई माइनस क्यू। अब देखो वो कह रहा है कि क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू और ये चारों मिलके ऊपर ई कितना लगा रहे थे पिछले पार्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, जब ये था नहीं, अगर ये माइनस क्यू लगा दूं तो माइनस क्यू प्लस वन को ऊपर क्या करेगा अट्रैक्ट, अगर ये प्लस क्यू था तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू नीचे लगाता था, माइनस क्यू एग्जैक्टली सेम वैल्यू ऊपर लगाना शुरू कर देगा क्योंकि माइनस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो आंसर डबल हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेना आंसर। सोचना कैसे, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक? ठीक। क्या क्वेश्चन कह रहे, सारे पार्ट सॉल्व करो, अगर ये फिगर पेंटागन की जगह हेक्सागन होगी या पॉलीगन होगी एन साइडेड तो आंसर विल रिमेन सेम क्योंकि वो भी सिमेट्रिकल फिगर है। क्लियर है यहां तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे सोचना है। इस फिगर में बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्या आंसर है? बोथ आर नेगेटिव क्योंकि लाइंस इनमें एंटर कर रही है, बोथ आर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कौन सा फिगर सही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मुझे आंसर दो, क्या ये फिगर हो सकती है? क्यों? कॉन्टिन्यूस लूप, लूप अलाउड नहीं है तो ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है, लाइंस एंटर भी कर रही हैं और लाइंस जा भी रही हैं, ये तो हो ही सकता, या तो एंटर करें या जाएंगी, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं। हवा में कैसे लाइंस आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव, सही है यहाँ तक? इस फिगर में क्या ये फिगर हो सकती है? नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे एंट्री नहीं हो रही लाइन की, गलत। क्या ये हो सकती है? हवा में आई और ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगी, कर्व हो सकती है, एकदम बेंड नहीं होती, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या ये हो सकती है? क्यों नहीं, ये हो सकती है? नहीं, क्योंकि बाहर भी निकल रही है और एंटर भी कर रही है तो हो ही सकता। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, सही है, और 90 डिग्री पे जा रही है। तो फर्स्ट फिगर इज द आंसर। समझ में आ रहा है रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं? नेक्स्ट है, इसको देखते हुए क्या आंसर है सी पार्ट, रूल नंबर वन, क्यू से लाइन बाहर निकल रही है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, रूल नंबर वन क्लियर? सॉरी, क्यू पॉजिटिव और ये कैपिटल क्यू नेगेटिव, राइट, उल्टा हो गया। यहां ज्यादा लाइंस हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो क्यू ग्रेटर देन क्यू है और स्मॉल क्यू इज पॉजिटिव। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो किस लेवल पे आएगा, कोई थ्योरी आनी आनी कोई ये पूरे एसे नहीं आ रहे, इसलिए आपको लिख के दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव इस टाइप के प्रॉब्लम आती हैं जो आपके पेपर में आती हैं, ठीक है? आ जाएंगी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है क्या करना है, नहीं आएंगी तो ये तो पता ही है क्या करना है, ठीक।